नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। विमानदार के पुणे तोड़ा दिए, विमानदार गौतम गुरु बोले इसके बाद मैं आज के सभापति कमलेश जी को अनुरोध करूंगा कि फूल का तोड़ लगे चंदन दा का स्वागत करें। बातें बहुत हो चुकी, अब मैं कुछ कड़वी बातें कहने जा रहा हूं और उस कड़वी किसी को लगे तो उस कड़वी को दवाई समझ के पी लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में आकर जरूर सहन करना होगा और जो जो गलती किए है उसको सुधारना होगा। नेता है कौन के मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अगर हम लोग जो भी यंग जनरेशन में राजनीति करते हैं उनको देख के सीखने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे नेता होते हैं जो गरीब तबके से आता है लेकिन एक पार्षद बनने के बाद उसके हाथ में 2 किलो का सोने का चेन लटकता है, लेकिन उज्जवला 25 साल हमारे चेयरमैन थे, 15 साल एमएलए हो चुके, अभी भी उनका घर में रंग नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसाल है एक बड़ा नेता बनने की। और उज्जवला एक हम लोग बोलते ना घर में जैसे हम लोग का गाय रखते हैं ना, सब गाय रखते हैं, तो उज्जवला है दूध देने वाला गाय। और कुंटी का जो उज्जवला का पीछे पीछे घूमते हो और उज्जवला का साथ रहते हो, इतना दूध उनका निकाल लिए कि आज उनका खून निकल रहा है और वहां से जनन होगा। फोर से चाचा के साथ में है, 94 में जब पहला काउंसिलर इलेक्शन हुआ था तब से दीवार लिख रहे हैं। जब मरे घटक या एमपी खड़ा होते थे तब पोलिंग एजेंट नहीं मिलता था, तब पोलिंग एजेंट नहीं मिलता था, 70 रुपया हाजिरी देकर पोलिंग एजेंट बैठाना पड़ता था, तब से पैकिंग करते थे। विमान आचार्य जी को ढूंढना पड़ता था कि कौन कैंडिडेट होगा 103 में, 104 से कैंडिडेट ले जाके 103 में खड़ा करते थे, तब से तिरुपुर करते। बीच में कभी जब मुझे लगा कि मुझे जगह नहीं मिल रहा, मैं कांग्रेस से किया है, मैंने उत्तर हम पार्टी करते हैं, हम दादा का खास आदमी है, हम ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कल हम काउंसिलर बन जाएंगे, परसों मेयर बन जाएंगे, वैसे नहीं बनिएगा, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उदय चटर्जी को भी 25 साल बहुत बहुत खून घुट घुट के पी के आज इस जगह में है, ये बात को समझना होगा आपको। आज उज्जवला है तो चीनाकुड़ी का नाम है, कल उज्जवला नहीं रहेगा तो चीनाकुड़ी में कोई चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो एक बात की तरह। तो मेरा यही कुछ कड़वी बात, बिहारी यूनिटी दिखाएगा। उज्जवला बिहारियों के लिए क्या नहीं किया, चीनाकुड़ी का बिहारी, चीनाकुड़ी का बिजनेसमैन बताए कि क्या नहीं किया चीनाकुड़ी के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप लोग उज्जवला को छोड़ के जात पात में चले जा रहे हैं, यूपी का कल्चर चीनाकुड़ी में एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए, इसको इमीडिएट बंद करना है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, चीनाकुड़ी का जो उज्जवला का नाम लेके आप सामाजिक कार्य करते हैं वो लोग सुधर जाए, क्योंकि आप उज्जवला को भी हम लोग कह दिए हैं कि कोई भी अगर उज्जवला का नाम को बदनाम करेगा, तृणमूल कांग्रेस का नाम को बदनाम करेगा, पार्टी को आगे रख के खाली कमाई वाला काम का सोचेगा, उसको पार्टी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। मैं खाली काउंसिलर के हैसियत से नहीं कह रहा हूं, मैं जिला का वाइस प्रेसिडेंट हूं और जिला में भी इस बारे में डिस्कशन हुआ है कि भाई पार्टी को सामने रख के जो कमाई कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। और उज्जवला शरीफ इंसान है कि अभी तक आप लोग को झेल रहे हैं, दूसरा नेता होता तो खब का घाट पकड़ के निकाल देना पड़ता,
क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं, पूरा बंगाल जानता है कि उज्जवलता कहीं से भी कहीं से एक पैसा किसी से नहीं लेते। और उज्जवलता ने क्या काम किया ये हम लोग को बोलने का जरूरत नहीं है। उनका जो बार बार जीतना और उन्होंने जिसको काउंसिलर खड़ा किया उनको जिता के दिखाया, ये उनका काम का सर्टिफिकेट है। इसका काम कितना काम किया वो बोलने नहीं है। আমি মেয়র সাহেবের সঙ্গে কথা বলে তাকে রাজি করিয়ে আপনাকে বলবো।
मुझे मालूम है कि बहुत सारा एक मिनट साथ होने में आया था, जैसे यहाँ कोई सीएम का लैंड में था या कोई टूटा उठा क्वार्टर में रहता है, इस बारे में हम लोग का कमिश्नर से ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है। आप लोग का यहाँ वैसा जितना भी आदमी है उसका लिस्ट बना के आप लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट पास भेजिए, हम लोग बेहद साहब से देख के उसका फ्री कनेक्शन का व्यवस्था। আমাদের মেন প্রোগ্রাম ছিল সাংগঠনিক, আগামী 2021 বিধানসভা ভোট আমাদের বিধায়কের হাত শক্ত করার জন্য আমরা এই মিটিংটি করে দেখলাম। অনেকে বলছিল চিনাকুড়ি দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু আমি এসে করে দেখলাম তিনটি ওয়ার্ডের সাফিসিয়েন্ট লোক ছিল, করোনার মধ্যে অনেকে ভয় আসছে না, নাকি এখানে জায়গা দিতে পারে।